हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है गॉल्जी बॉडी या फिर गॉल्जी एपरेटिस। ठीक है, तो गॉल्जी बॉडी क्या होती है? ये एक सेल ऑर्गेनील है जो एक फैक्ट्री का काम करता है। मतलब वो प्रोटीन्स को रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसको फर्दर प्रोसेस करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है उसकी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, आपको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। सो वहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो वेसिकल की फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर देता है गॉल्जी एपरेटिस को। गॉल्जी एपरेटिस उसको फर्दर प्रोसेसिंग करता है, मतलब उसमें जो कमियाँ हैं उसको पूरी करता है और बॉडी के जिस पार्ट में जिस फॉर्म में चाहिए होती है प्रोटीन वो उस फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये है गॉल्जी एपरेटिस। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो इसका फेस है इसको हम बोलते हैं सिस फेस। ठीक है, और जो ये नीचे वाला फेस है इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, सो जो ये सिस फेस होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये वेसिकल्स को रिसीव करता है। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो वेसिकल सेंड करता है, वहाँ से प्रोटीन को सेंड करता है वेसिकल की फॉर्म में, ये उसको रिसीव करता है और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, सो जो ये फ्लैट जो ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, स्टैक जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, जिसका जो ये एंड है ये थोड़ा सवोलन होता है और बीच से ये चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और ये सवोलन जो एंड है इसको हम बोलते हैं गॉल्जियन वैक्यूल। ठीक है, और जो ये इसके बीच में जो ये कैविटी है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस तरह से ल्यूमिन होता है, इसी प्रकार जो गॉल्जियन एपरेटस है या फिर गॉल्जी बॉडी है उसके अंदर ये जो ल्यूमिन है ये जो आप पर्पल कलर में देख रहे हो इसको हम बोलते हैं गॉल्जी एपरेटस का ल्यूमिन। ठीक है, इसी प्रकार जो ये गॉल्जी एपरेटस जो है ये प्रोटीन की जो फर्दर जो मॉडिफिकेशन करता है तो ये उसको सिक्रेट करता है वेसिकल की फॉर्म में। जिस प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेता है तो उसको वो सिक्रेट करने के लिए उसको वेसिकल फॉर्म करना पड़ता है, उसी प्रकार जो ये गॉल्जी एपरेटिस है उसमें भी जो प्रोटीन की जो फर्दर मॉडिफिकेशन होती है और जो उसको टारगेट डेस्टिनेशन पे भेजना होता है तो वो क्या करता है, वो उस उन सब्सटेंसेस को एक वेसिकल की फॉर्म में सिक्रेट करता है और उसको फर्दर जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजता है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि जहाँ से गॉल्जी एपरेटिस प्रोटीन को रिसीव करता है उस फेस को हम बोलते हैं सिस फेस। ठीक है, इसी प्रकार जहाँ से ये जब प्रोटीन की फर्दर जो मॉडिफिकेशन होनी होती है वो करके ये उसको जब सिक्रेट करता है तो वो ट्रांस फेस से सिक्रेट करता है। ठीक है, जो जहाँ से प्रोटीन को पैक करके उसकी डेस्टिनेशन पे भेजता है उस फेस को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स होते हैं वो इस फेस पे होते हैं। ठीक है, सो गॉल्जी बॉडी क्या होती है या फिर गॉल्जी एपरेटिस क्या होता है? सो गॉल्जी एपरेटिस इज अ सेल ऑर्गेनिल विच फंक्शन एज अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन्स रिसीव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फर्दर प्रोसेस्ड एंड शॉर्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि गॉल्जी एपरेटिस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को रिसीव करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड करता है उसको गॉल्जी एपरेटिस अपने सिस फेस से रिसीव करता है और उसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग होती है उसके बाद उसको वो जिस फॉर्म में उसकी ज़रूरत होती है डेस्टिनेशन पे उस फॉर्म में उसको मॉडिफाई करके उसको ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल की फॉर्म में सिक्रेट करता है उस अपने ट्रांस फेस से और अपनी उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी प्रोटीन की ज़रूरत है लाइसोसोम को, लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी एपरेटिस उसको मॉडिफाई करेगा और उसको लाइसोसोम को भेज देगा। इसी प्रकार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हमारे प्रोटीन्स होती हैं जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है या फिर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करती है। सो अगर उस प्रोटीन की जरूरत प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है वो उसी फॉर्म में उसको मॉडिफाई करेगा गॉल्जी एपरेटिस और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज देगा। सो गॉल्जी एपरेटिस जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, वो इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आउल के नर्व सेल्स में गॉल्जी एपरेटिस को डिस्कवर किया था 1898 में। ठीक है, और उन्होंने उसको नाम दिया गॉल्जी एपरेटिस क्योंकि
उनका जो नाम था वो था कैमिलो गॉल्जी। उन्हीं के नाम के बेस पे ही इस ऑर्गेनेल का नाम पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं गॉल्जी एपरेटस। ठीक है, सो जो गॉल्जी एपरेटस है या गॉल्जी बॉडी है, इसके बहुत सारे अदर नेम्स भी होते हैं, जैसे कि गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी एपरेटस, लिपोकॉन्ड्रिया, आइडियोसोम, बेकर्स बॉडी एंड डाल्टन कॉम्प्लेक्स। अगर आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी एक नाम लेके पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तो आप गॉल्जी एपरेटस के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो जो गॉल्जी एपरेटस है, इसकी बायोजेनेसिस कैसे होती है? ये या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी इनवेजिनेशन से बनता है। ठीक है, जैसे कि ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी इनवेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ जो इनवेजिनेशन होती है, ये या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से बनता है, या फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी ई वेजिनेशन से बनता है, मतलब उससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इस तरह से बाहर को, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे अंदर की तरफ को स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इससे इस तरह से गॉल्जी एपरेटस की फॉर्मेशन होती है, या फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसकी ई वेजिनेशन से। ये जो जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सब में प्रेजेंट होता है, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि मैच्योर स्पर्म सेल्स उसमें गॉल्जी एपरेटस नहीं होता है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उसमें भी गॉल्जी एपरेटस नहीं होता, और मैच्योर सीव एलिमेंट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी जो है गॉल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा गॉल्जी एपरेटस प्रेजेंट होती हैं, या फिर सिंगल गॉल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो जो मैमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, उनमें जो सिंगल गॉल्जी एपरेटस होता है, और ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल गॉल्जी एपरेटसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो गॉल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? गॉल्जी एपरेटस के फोर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा टिब्यूल्स, तीसरा वेसिकल्स, फोर्थ गॉल्जी वैक्यूल्स। ठीक है, सो जो सिस्टर्नी होता है वो फ्लैट होता है, डिस्क शेप्ड सैक्स होती हैं विद स्पोलन एंड्स। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया, जो फ्लैट इस तरह से जो स्ट्रक्चर थे, इस तरह से जो स्ट्रक्चर है डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, उनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं, और जो इनके जो एंड्स होते हैं वो स्वोलन होते हैं। ठीक है, और ये कर्व्ड होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। आपने देखा कि जो ये एंड गॉल्जी एपरेटस है इसमें क्या है, इस तरह से सिस्टर्नी अरेंज होते हैं, सो ये पैरेलली अरेंज होते हैं, और ये स्मूथ मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं। ठीक है, जो गॉल्जी एपरेटस के सैक्स होते हैं वो स्मूथ मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं, जिस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह नहीं होते। ठीक है, सो जो सिस्टर्नी होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि जो सिस गॉल्जी नेटवर्क होता है उसको हम फॉर्मर फेस बोलते हैं, और जो ट्रांस गॉल्जी नेटवर्क होता है उसको हम मैच्योर फेस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गॉल्जी एपरेटस होता है उसका जो सिस फेस होता है वहाँ से वो वेसिकल्स को रिसीव करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको भेजता है। ठीक है, और उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन करके उसको अपने जो ट्रांस गॉल्जी नेटवर्क होता है, मतलब जो उसका फॉर्मर फेस से दूसरा फेस होता है जिसको हम मैच्योर फेस बोलते हैं, उसके थ्रू उसको वो सिक्रेट करता है और उसकी डेस्टिनेशन पे भेज देता है। ठीक है, मैमिलियल सेल्स में जो गॉल्जी एपरेटस होता है उसके 40 to 100 स्टैक्स होते हैं, और एक स्टैक में कितने होते हैं, 4 to 8 सिस्टर्नी होते हैं। सो दूसरा जो कंपोनेंट है गॉल्जी एपरेटस का वो है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट ब्रांच्ड और इंटरकनेक्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो गॉल्जी एपरेटस होता है उसके जो मेच्योरिंग फेस की साइड को होती हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो राउंड सी शेप में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ये जो गॉल्जी एपरेटस होता है उसके मेच्योर फेस की साइड को होती है जिसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये आप स्टैक्स देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होते हैं ये पैरेलली अरेंज होते हैं, मैंने आपको बताया जो मेमिलियन सेल्स होते हैं उसमें 40 to 100 स्टैक्स होते हैं सिस्टर्नी के। ठीक है, सो जो गॉल्जी एपरेटस होता है मेमिलियन सेल्स में, आपको पता है मेमिलियन सेल्स में जो ये सिंगल गॉल्जी एपरेटस होता है, सो उसमें जो कितने इस तरह के कितने स्टैक प्रेजेंट होते हैं उसमें 42, मतलब मान लीजिए ये एक स्टैक है। ठीक है, इस तरह से जो मेमिलियन सेल्स है उसमें 40 to 100 स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, और एक स्टैक में कितने होते हैं, एक स्टैक में 4 to 8 जो सिस्टर्नी होते हैं। ठीक है, सो इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स क्या होते हैं?
ये स्मूथ सैक्स होते हैं जो टिब्यूल से डेवलप होते हैं, ठीक है, मतलब जो टिब्यूलर सरफेस होता है उसकी तरफ से डेवलप होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और कोटेड, ठीक है। जब वेसिकल्स जो है वो उसका जो सरफेस जो स्मूथ होता है उसको हम बोलते हैं स्मूथ वेसिकल्स, ठीक है। इसमें मतलब ये क्या होते हैं, ये सिक्रेटरी गैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब उन डायरेक्टली सिक्रेट कर देते हैं। मतलब जिस तरह से गॉल्जी एपरेटस ने कोई प्रोटीन की मॉडिफिकेशन की, उसने वो उस मॉडिफिकेशन करके उस प्रोटीन को डेस्टिनेशन पे भेजना है, तो वो उसको डायरेक्टली सिक्रेट करेगा और डेस्टिनेशन पे भेज देगा। मतलब अगर वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में उसकी डेस्टिनेशन में ज़रूरत है, तो वो उसी फॉर्म में उसको सिक्रेट करके वहाँ पे भेज देगा। अगर किसी प्रोटीन उसके ऊपर कोई फर्दर मॉडिफिकेशन होनी है, मतलब उसके ऊपर कोई कोटिंग करनी है, तो उस तरह की जो वेसिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कोटेड वेसिकल्स, क्योंकि इसके ऊपर कुछ फाइन ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, आउट ग्रोथ्स ब्रिसल्स। मतलब मान लीजिए ये वेसिकल है, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह के ब्रिसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वेसिकल्स होते हैं उसको हम कोटेड वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। सो सिग्नल सिक्वेंस के बेस पे वेसिकल्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है एक्सोसाइटोटिक वेसिकल, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज होते हैं सेल से बाहर, जिसको रिलीज करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब एंटीबॉडीज को रिलीज करती है तो वो सेल से बाहर रिलीज करती है। मतलब जो ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर गॉल्जी अपरेटस है, बहुत सारे हैं, लाइसोसोम है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, सब इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर इसको किसी प्रोटीन को सेल से बाहर भेजना होता है तो ये उसको एक्स्ट्रा सेलुलरली रिलीज करेगा, ठीक है। इस प्रकार के जो वेसिकल्स होते हैं उसको एक्सोसाइटोटिक वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से वेसिकल रिलीज होगा और अपने डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज होते हैं, ये भी जब सेल को सिग्नल रिसीव होता है कि उस डेस्टिनेशन पे इस प्रोटीन की जरूरत है, तो ये क्या करते हैं, जो गॉल्जी एपरेटस है ये उस वेसिकल को रिलीज करते हैं और उस डेस्टिनेशन पे भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं इनको सिग्नल रिसीव होता है तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो वेसिकल होता है वो उसको बोलते हैं लाइसोसोमल वेसिकल, ठीक है। ये जो वेसिकल होता है इसमें प्रोटीन और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये इसको लाइसोसोम को भेजने के लिए पैक किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, ठीक है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है लाइसोसोमल वेसिकल के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव प्रोटीज। डाइजेस्टिव प्रोटीज क्या आता है, इसको लाइसोसोमल वेसिकल की फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है गॉल्जी एपरेटस का, उसको बोलते हैं गॉल्जी वेक्यूल्स, ठीक है। ये क्या होती है, लार्ज राउंडेड सैक्स होते हैं, ठीक है। इसका ये कुछ जो है ये लाइसोसोम की तरह फंक्शन करते हैं। सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करके उसको वेसिकल की फॉर्म में सिक्रेट करेगा और उसको गॉल्जी एपरेटस को भेज देगा। गॉल्जी एपरेटस में उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन होने के बाद ये जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे उसको भेजना होता है ये वहाँ से सिक्रेट करता है और उस प्रोटीन की डेस्टिनेशन पे उसको सेंड कर देता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है अगर वहाँ पे भेजना है तो वो सेल मेम्ब्रेन को भेज देता है, अगर उसको कहीं बाहर एक्सक्रीट करना होता है तो वहाँ सिक्रेट कर देता है, अगर लाइसोसोम को भेजना होता है तो ये लाइसोसोम को भेज देता है। सो जो गॉल्जी एपरेटस इसके अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है, मान लो प्रोटीन है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, अगर उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव करता है या फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है उस पर, या फिर फॉस्फोरिलेशन करता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच करता है उसके ऊपर। सो इस प्रकार की जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो किसके अंदर होती है, वो गॉल्जी एपरेटस के अंदर होती है। या फिर ग्लाइकोसिलेशन करता है, जैसे कि एन लिंकेज ऐड कर दिया या फिर ओ लिंकेज ऐड कर दिया, ये सारे जो चेंजेस हैं मॉडिफिकेशंस हैं ये किसके अंदर होती है, ये गॉल्जी एपरेटस के
अंदर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोटीन है, ठीक है। जब प्रोटीन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट को अगर प्रोटीन के ऊपर अटैच करना है, अगर वो एमाइन ग्रुप के थ्रू अटैच है तो उसको हम बोलते हैं एन लिंक्ड, ठीक है। अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू अटैच है तो उसको हम ओ लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। सो ये था कि गॉल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर कि किस तरह का होता है। अब हम थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि गॉल्जी अपरेटस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जो गॉल्जी अपरेटस होता है इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये पहला है कि ये मेजर कलेक्शन और डिस्पैसेशन होता है प्रोटीन प्रोडक्ट्स के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और उसको डिस्पैच कौन करता है, ये गॉल्जी अपरेटस करता है। जैसे कि ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, मतलब प्रोडक्ट आया उसको पैक किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, उसको पैक किया और उसको गॉल्जी अपरेटस को भेज दिया। गॉल्जी अपरेटस क्या करता है, पोस्ट ऑफिस की तरह की डाक आई, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की और उसको अगले स्टेशन को भेज दिया, ठीक है। तो जो गॉल्जी अपरेटस है एक पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ठीक है। और जो तीसरा जो इसका फंक्शन है, ये इन्वॉल्व होता है लिपिड ट्रांसपोर्ट में और लाइसोसोम फॉर्मेशन में, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है उसके अंदर ये मॉडिफाई करके उसको लाइसोसोम को भेज देता है, ठीक है। और इस प्रकार से जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं इसके मेम्ब्रेन सरफेस पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, फॉस्फोरिलेशन और ग्लाइकोसिलेशन, मतलब ग्लाइकोसिलेशन कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन, या फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन, या फिर जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उसके बाद जो उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है वो कहाँ पर होती है, वो गॉल्जी अपरेटस के अंदर होती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ये इसी में आ जाता है। जैसे कि कोई प्रोटीन है, अगर उसको फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है उसको लाइसोसोम को भेजना है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर मैनोज सिक्स फॉस्फेट एक ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, उसको अटैच करेगा और उसको लाइसोसोम को भेज देगा। इस प्रकार जो गॉल्जी अपरेटस है इसका नेक्स्ट फंक्शन है वो है कि ये इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। मतलब जब प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी प्रकार जो लिपिड के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। सो जो गॉल्जी अपरेटस है ये ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है और उसको भेज देता है गॉल्जी अपरेटस को। गॉल्जी अपरेटस उसके ऊपर जो फर्दर मॉडिफिकेशन करनी होती है वो करता है। इसी प्रकार जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और उसको भेज देता है गॉल्जी अपरेटस को, और वहाँ पे उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। सो जो गॉल्जी अपरेटस है ये इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट को अटैच करता है और लिपिड्स के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट को अटैच करता है। सो जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है यहाँ पे ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है गॉल्जी अपरेटस का वो है कि ये रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि जो रूट हेयर होते हैं, आपने रूट्स देखे होंगे, रूट से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं उसको हम रूट हेयर बोलते हैं। जो रूट मदर सेल्स होते हैं उससे रूट हेयर फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसी प्रकार जो गॉल्जी अपरेटस होता है वो इन्वॉल्व होता है सेल वॉल की सिंथेसिस में प्लांट सेल्स में, ठीक है। जो प्लांट सेल में सेल वॉल की सिंथेसिस होती है उसमें जो गॉल्जी अपरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये थे कुछ फंक्शंस जो गॉल्जी अपरेटस परफॉर्म करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।